Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone-in interactive program. I'm Tanvi Khurana aur aaj hum aapke liye lekar aaye hain maths ka ek karyakram class 10th ke sabhi bachchon ke liye aur hum padhne wale hain polynomials part 1. अगर इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए, पॉलिनोमियल से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है जो आप सॉल्व नहीं हो रहा और आप ट्राई कर रहे हैं, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं. आप चाहें तो हमें फ़ोन कीजिए, नंबर है 8800440559. अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cict.nic.in. इस वक्त आप हमें देख रहे हैं लाइव ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो कि है NCERT PM ई विद्या चैनल नंबर 10. तो इनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. और आज की हमारी जो मेहमान हैं जो आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं. वी हैव विद अस मिस सविता ग्राग. मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. जी, थैंक यू मैम. गुड आफ्टरनून टू यू टू मैम. मैम है कोऑर्डिनेटर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से और मैम से हम बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं बात और पूछते हैं कि मैम जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो क्या 10th क्लास के बच्चे पॉलिनोमियल्स से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम क्या पढ़ने और क्या समझने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा. जी बिल्कुल तन्वी जी, एज यू हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि क्या ये टॉपिक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू है या हमारे बच्चे पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले से जान चुके हैं. सो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स पॉलिनोमियल्स टॉपिक क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट रिकॉल कि हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ी विच आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द टॉपिक इन क्लास 10th. और उसके बाद हम टॉपिक डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे अबाउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट डू वी मीन बाय अ पॉलिनोमियल? डियर व्यूअर्स, जैसा भी आपने पहले भी पढ़ा है, सो इट इज सेम हियर. अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स, एक कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इंक्लूड करता है किस चीज़ को, कॉन्स्टेंट टर्म्स को, वेरिएबल्स को एंड एक्सपोनेंट्स. बट द कंडीशन इज दैट द एक्सपोनेंट शुड बी अ होल नंबर ऑफ द वेरिएबल. गॉट इट? यानी एग्जाम्पल देकर हम इसे वापस समझ सकते हैं. हमारा कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कैरिंग सम कॉन्स्टेंट वैल्यूज एंड अ वेरिएबल नेम्ड एज x. और साथ ही साथ ये जरूरी है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की जो भी पावर है, दैट शुड बी अ होल नंबर. जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं दैट दिस इज एक्स स्क्वायर, यानी द पावर फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म इज 2, द पावर फॉर द नेक्स्ट टर्म is 1, and along with 2 nothing is written in terms of the variable, so that can also be written as x raised to the power 0, because hamare viewers jante hain that something raised to the power 0 is always equals to 1. agar yahan par 2 ke sath kuch bhi likha nahi hai, that is clear that 2 can be written as 2 multiplied by 1, and this 1 means the power of the variable x is 0 here. All right, ठीक. इसी तरह से सम अदर एग्जांपल्स आर मेंशन्ड हियर, लेट अस डिस्कस दीज एग्जांपल्स वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज 2x + 5. सो डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाई सो? आप देख सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, जिसमें से पहली टर्म है 2x एंड द सेकेंड टर्म इज पॉजिटिव 5. दोनों जगह पर हम देख सकते हैं कि वेरिएबल इज गिवन टू बी एक्स and its power is 1, which is a whole number, that is, this is a polynomial. ठीक इसी तरह से the next polynomial is a x
is indicating the variable. ठीक इसी तरह से 2x² minus root 7x plus 5 upon y. Here it is written 5 upon y. I would like to tell you, dear viewers, that in this particular question, 2x² minus root 7x plus 5 upon y. So first of all, this is an algebraic expression in two variables. These two variables are x and y. डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि x की जो पावर्स हैं इन द फर्स्ट टू टर्म्स दीज आर होल नंबर्स 2 and 1 बट इफ वी रीराइट द थर्ड टर्म विच इज 5 / y इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × y^-1 सो वट इज इट इंडिकेटिंग दैट द पावर ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इज नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पॉलिनोमियल. If I talk about the next example, that is again, let us see this carefully. If there is some doubt to our viewers, you can share it with us and you will be able to find the solution definitely. So this is the fourth example written here, 2x² plus square root of x, which can also be written as 2x² plus x^1/2. What does it mean? It simply means that 1 by 2 is not a whole number. That is why this particular expression is definitely algebraic expression, but it is not a polynomial. Dear viewers, agar iske place par yahan likha hota, let me write one more example. 2x² plus under root of 5. So that will be a polynomial. Why so? क्योंकि हमें ये बताया गया है that the exponent of the variable should be a whole number. Constant terms की power आपकी negative हो सकती है, that can be in fractional form, that can be in decimal form. तो जब हम 2x² plus root 5 की बात करते हैं, तो 5 और 5^1/2 और root 5 ये सभी constant values को ही indicate कर रहे हैं. Variable की power सिर्फ whole number है and that is 2 here in this particular example. Therefore, this is a polynomial. Similarly, if we see the last part, 5 whole / 3x - 2. If you will rewrite this particular example, this can be written as 5 × 3x - 2 whole / -1, which is indicating that the variable's power is not a whole number. Definitely, it will not be a polynomial. Alright, so let us discuss about degree of a polynomial after discussing this. What do you mean by the degree of a polynomial? In case aapko pata chal gaya ki this is a polynomial. तो जैसे ही हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर नहीं है सो यू विल राइट इन द बिगनिंग दैट नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. बट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, तो आपको जानना हो कि डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की. तो हाउ कैन यू टेल दैट द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. The largest exponent, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं in case of the first example, 2x + 5. Simply, here x is having the power 1, exponent is 1 and exponent is 0. So which one is the larger of both of these? 1. Therefore, the degree of this particular polynomial is known as 1. Example number 2, the degree for this is 2. Example number 3, again do not be confused. This is a polynomial because under root is mentioned on the constant term 7. It is not on x. So this is a polynomial and definitely this is a polynomial of degree 3. The degree of this polynomial is 3. After this, we will discuss that on the behalf of the degrees, aap kya bata sakte hain ki given polynomial is linear और गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, हम ये कैसे बता सकते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर पॉलिनोमियल, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1, दैट इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लेट अस राइट सम एग्जांपल. इफ आई एम राइटिंग 3 - 5y,
2t plus 7. 2 multiplied by x plus 11 divided by 3. So these all are the polynomials of degree 1. Therefore, all these three are linear polynomials. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डियर व्यूअर्स, आपने ये पढ़ा है क्लास नाइन्थ में भी कि किस तरह के पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अ पॉलिनोमियल हूज डिग्री इज टू, अगर हम इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इफ आई एम राइटिंग दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड टेलिंग यू दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, फुली करेक्ट स्टेटमेंट. वाई सो? क्योंकि ये भी मेंशन किया जाना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल जो है अगर वो टू होगा, देन वी विल से दैट द डिग्री इज टू. बट डियर व्यूअर्स, हमें ये भी पता होना चाहिए दैट द कॉफिशियंट ऑफ दैट, द कॉफिशियंट ऑफ द वेरिएबल कैरिंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, दैट शुड नेवर बी जीरो. तो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे दैट इन दिस केस ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई कैन नॉट कंसिडर कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक ही है. पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बताने के लिए अगर आप जनरल फॉर्म में लिखते हैं, सो इट शुड ऑल्सो बी मैंशन दैट द कॉफिशियंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री इज ऑफ डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज नॉट जीरो. Yes, if you are writing the specific cases, like you are writing 3 upon 2 x square minus 7 x plus 1. So definitely it is clear here that 3 upon 2 is not equals to 0. So yahan hum dekh kar specific case mein bilkul bol sakte hain this is quadratic. But jab bhi aap in general mention karenge, to aapko mention karna hai that coefficient of x square is not equals to 0. Okay. So, similarly, if you are writing a linear polynomial in general, it is ax plus b, and for this also, the coefficient of x should be non-zero. Okay. जी. Yeah. इसी तरह से cubic polynomial की जब आप बात करेंगे, so it will be ax cube plus bx square plus cx plus d. Definitely यहाँ पर a, b, c एंड d ये सभी कॉन्स्टेंट वैल्यूज को शो कर रहे हैं, एंड ये भी हमें मेंशन करना होगा दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0. डियर व्यूअर्स, अगर बाकी थ्री टर्म जीरो हो भी जाती हैं, यानी अगर आपके पास, मैं यहां पर बात करती हूँ दैट b इज 0, c इज 0, लेट d ऑल्सो बी 0, बट a इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, सो यू हैव ए एक्स क्यूब, still it is a cubic polynomial, right? If I am writing somewhere 7x cube minus 3, so it is a cubic polynomial. क्योंकि हम terms के according बात नहीं कर रहे, we are talking about the degree of the polynomial, और यहाँ पर degree of the polynomial. Ma'am? सो टू ऑल द व्यूअर्स, हमने अभी समझा कि अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4 के कुछ टर्म्स हैं, स्पेसिफिक टर्म्स जो मैम ने हमें बताए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक. मैम, क्या आप हमें इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देना चाहेंगी, बाइक्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल देना चाहेंगी? जी बिल्कुल तन्वी, हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखते हैं. एंड दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और कुछ एक स्टूडेंट्स क्वार्टिक को या बायोक्वाड्रेटिक को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड सम क्वेश्चंस आर फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमारे व्यूअर्स जो है बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ध्यान से समझें, एंड इट इज बेसिकली, लेट अस राइट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल. 7 into x is the power 4 minus 3x square plus 1. Since the highest power is 4, therefore this is a biquadratic or quartic polynomial. और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले भी मैं डिस्कस कर सकती थी, बट मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स को लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं, बट हमारे वन मार्कर्स में
ये क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। इवन जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के एग्जाम्स दिए थे, देर वॉज अ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू बेस्ड, अजम्पशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल से हम क्या समझ पाते हैं। सो अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट हुज डिग्री इज जीरो। Means our viewers will just write that p of x is equal to 7, p of x is equal to 5, और अगर मैं in general बताना चाहती हूँ p of x equals to a and a is a non-zero constant here. So हम देख सकते हैं कि 7 के साथ या 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मींस वेरिएबल की पावर यहां पर क्या है, जीरो। देयरफॉर द डिग्री ऑफ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। हमारे व्यूअर्स यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि सिंस 7 इज रिटन हियर, देयरफॉर पावर ऑफ 7 इज 1, सो दे राइट बाय मिस्टेक दैट द डिग्री इज 1। सो व्यूअर्स आपको कांस्टेंट की पावर को डिग्री की फॉर्म में ट्रीट नहीं करना, डिग्री मीन्स द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। चाहे मैं यहाँ पर आपको लिखकर ये भी दे दूं कि जी ऑफ एक्स इज एनी अदर पॉलिनोमियल रिटन एज 7 रेज़ टू द पावर 100, इवन देन जो वेरिएबल एक्स है था ही नहीं, यानी कि एक्स की पावर जीरो है, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी टेकन जीरो। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट इज जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल आपको डायरेक्टली विजिबल ही नहीं हो रहा, आई हैव रिटन हियर अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ओनली एंड ओनली जीरो इज देयर। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में हमने बोला था कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट यहां पर मेंशन होगा, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल मीन्स इफ योर पॉलिनोमियल इज ओनली जीरो। आई हैव नॉट रिटन द डिग्री हियर इन एडवांस बिकॉज डिग्री मैं अपने व्यूअर्स के साथ ही डिस्कस करना चाहूंगी, और डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। देखिए डियर व्यूअर्स, अब जीरो को आप अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं यू आर एबल टू गेट जीरो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग जीरो बाय एक्स स्क्वायर यू आर अगेन गेटिंग जीरो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द सेम जीरो बाय एक्स इज अपार 21 यू आर गेटिंग जीरो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द जीरो विद एक्स इज अपार 214 यू आर गेटिंग जीरो। व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए मुझे पता ही नहीं कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी इस केस में, दैट इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक्स की किसी भी पावर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो मिल रहा है, सो वी आर नॉट श्योर कि उसकी डिग्री 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वॉज देयर इन आर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2023-24, एंड क्वेश्चन था अजर्शन वॉज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, राइट, एंड रीजन वॉज गिवन दैट देयर इज अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स रिटन एज 2x + 5, दिस इज लीनियर। सो डेफिनेटली आर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और हमने अभी आपके साथ बात की कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। सो एक्चुअली हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा बोथ ए एंड आर, अजर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं पता होती, तो ऐसा होता है कि वो यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड, द टॉपिक इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो कौन सा कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो अ रियल नंबर अल्फा इज नॉन एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, और आई शुड राइट हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, यानी हमें अपने फंक्शन में
एक्स के प्लेस पर वो पर्टिकुलर रियल नंबर पुट करके चेक करना है कि आपका पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो बन रहा है या नहीं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तन्वी। जी इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड आई वॉन्ट टू चेक क्या एक्स इज इक्वल टू वन, इस पॉलिनोमियल की एक जीरो है। तो कैसे चेक करेंगे हम, वी विल जस्ट फाइंड एफ ऑफ वन, व्हाट आई एम एबल टू गेट आई एम एबल टू गेट टू माइनस टू, इट इज वन स्क्वायर प्लस वन विच इज टू, टू माइनस टू डेफिनेटली जीरो। एंड सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, हमें फिर से वेरिएबल के प्लेस पर अपना रियल नंबर माइनस टू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम देख सकते हैं कि नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड इट इज अगेन फोर माइनस फोर विच इज जीरो। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये दोनों ही क्या है, बोथ ऑफ दीज आर दी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। Now let us discuss a few remarks. एक तो जो हमने अभी डिस्कस किया, this was a quadratic polynomial, और हमने चेक किया कि x is equal to 1 and x is equal to minus 2, ये दोनों ही इसके zeros हैं। ठीक इसी तरह से I have mentioned here that a quadratic polynomial has at most two zeros. Why this word at most has been mentioned? क्योंकि some of the quadratic polynomials can be there जिनकी दोनों zeros बिल्कुल same हैं. Like if I am writing x square minus 4x plus 4, I want to put x is equal to 2. Definitely हमारे पास x is equal to 2 put करने पर 4 times 2 is 8 plus 4. 8 minus 8, that means 0 आ रहा है, all right? That means इस particular polynomial के लिए x is equal to 2 ही एक 0 है। अगर आप x के place पर और कोई भी value put करते हैं, if you want to calculate p of 1, p of 3, p of minus 1, polynomial at minus 2, आपको 0 नहीं available होगा, क्योंकि ये हमने एक ऐसा polynomial दिया था, which is a perfect square, पॉलिनोमियल, तो हम देख सकते हैं कि इसकी एक ही जीरो है टू, और आप ये भी कह सकते हैं बोथ ऑफ द जीरोस आर इक्वल्स टू टू, टू एंड टू, ओके। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होती है। इन जनरल अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास थ्री जीरोस होती हैं, एट मोस्ट थ्री, हो सकता है दो जीरोस इक्वल हैं एंड वन जीरो इज डिफरेंट, हो सकता है ऑल द थ्री जीरोस आर डिफरेंट, हो सकता है ऑल द थ्री जीरोज आर सेम। तो इन जनरल हम ये बोलेंगे एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, व्हाट इट इज दैट अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज। जो भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है एट मोस्ट उसके पास उतनी ही जीरोज होती है। अगर मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा x इज द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, सो दिस इज अ बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी एट मोस्ट कितनी जीरोस हो सकती हैं, 4। ऑलराइट राइट। और मैम जीरो पॉलिनोमियल की तो डिग्री होती ही नहीं, डिफाइन नहीं होता, तो उसका जीरोस कितनी होती है? जी ग्रेट क्वेश्चन, आपने बोला कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है लेकिन उसके जीरोस कितने होंगे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए अब इसके जीरोस कितनी होती हैं, काउंटलेस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम चेक करते हैं कि ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी जीरोस होती हैं। ओके, जीरो किसे बोलते हैं, एक्स की उस वैल्यू को जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाए। अब जब आपके पॉलिनोमियल में एक्स विजिबल ही नहीं है, ये जीरो ही है, सो इफ यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू वन यू आर अगेन गेटिंग जीरो, इफ यू आर पुटिंग एक्स इक्वल टू 100 यू आर गेटिंग जीरो, अगर आप एक्स के प्लेस पर माइनस टू पुट करते हैं यू आर गेटिंग जीरो। मतलब एक्स के प्लेस पर आप कुछ भी पुट कर लें, इन ईच एंड एवरी केस आपका पॉलिनोमियल जीरो के ही इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की टोटल कितनी जीरोज हैं, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस। अ जीरो पॉलिनोमियल कैरी
infinitely many zeros. ओके सो मैम वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, पर हम पार्ट टू में इसके कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर देखना चाहेंगे पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए. मैम अभी के लिए थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूस करने के लिए, और आप अपना समय दिया आपने हमारे इस कार्यक्रम को, उसके लिए भी बेहद धन्यवाद. जी जी तन्वी जी, कैन वी कैरी विद दिस वन क्वेश्चन और वी कैन बिगिन विद दिस क्वेश्चन? श्योर. Right. So, what is the question here? X plus 1 is a factor. Factor की जब हम बात करेंगे, so dear viewers, x plus 1 अगर factor है, तो x plus 1 को 0 के equate करने पर आपके पास x की जो भी value आ रही है, that is the 0 of given polynomial. Okay. Yes. So, if x is equal to 1 is a 0 of this polynomial, and I am thinking that this polynomial equals to x square minus 3kx minus 7. अगर मैं बात कर रही हूँ, ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि x is equal to minus 1 इस पॉलिनोमियल की एक 0 है, तो सिंपली इसका मतलब है कि अगर आप x के प्लेस पर negative 1 पुट करते हैं, तो you are able to get that p of minus 1 equals to 0. ओके यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप एक्स को वन पुट कर नेगेटिव वन पुट करते हैं, नेगेटिव वन स्क्वायर नेगेटिव थ्री के इंटू नेगेटिव वन नेगेटिव सेवन इक्वल्स टू जीरो, सो वी आर एबल टू गेट वन प्लस थ्री के माइनस सेवन इक्वल जीरो और थ्री के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स आर क्वेश्चन वॉज कि फाइंड दिस अननोन के, अगर x प्लस वन गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो. कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्यूअर्स आपको यही करना है कि उस फैक्टर की हेल्प से पहले आप जीरो कैलकुलेट करेंगे, और जीरो कैलकुलेट करने पर आप इजीली बता सकते हैं दैट माय पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एंड इन प्लेस ऑफ एक्स इफ यू पुट द वैल्यू नेगेटिव वन यू विल बी एबल टू गेट द अननोन के हियर. Okay. And I'm just going to tell what about the geometrical meaning of zeros of a polynomial, and after that we will just carry with the same topic in our next session. What it is zero of linear polynomial? वैसे हमारे viewers जान चुके हैं कि linear polynomial की एक ही zero होती है, और अगर आप spelling के साथ जाते हैं linear, L I N E, I'm picking up the first four alphabets, it is line. यानी जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे अपने लीनियर पॉलिनोमियल को, तो आप पाएंगे एक स्ट्रेट लाइन. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दैट दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका यहाँ पर आप रेड लाइन के फॉर्म में देख सकते हैं, विच इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस ओनली एंड ओनली एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज माइनस थ्री बाई टू एंड जीरो. So if something is written in this ordered pair form, that means the first value is of x and the second value is of your polynomial at that point x. Okay. Yani x ki value hai minus 3 by 2 and p of x or y equals to 0. Okay. Sure, ma'am. Right? Thank you. Thank you so much, this ma'am. Is easy. इट वॉज ईजी फॉर श्योर, और पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है. एंड लाइक यू सेड, नेक्स्ट पार्ट में और कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट बी मच बेटर. थैंक यू सो मच मैम फॉर बींग अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. थैंक यू तन्वी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल. बच्चों आप सभी ने देखा आज हमने पॉलिनोमियल्स का पार्ट वन डिस्कस किया है, और आगे पार्ट टू में हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. तो आप एक बार इसे प्रोग्राम को अगर आपसे छूट गया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो हम तक पहुँचा भी सकते हैं. इसी के साथ ये मैथ्स का कार्यक्रम कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए यहीं समाप्त करते हैं, पर अगला जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो है सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम कक्षा 10 के ही सभी छात्रों के लिए, और जिस विषय पर बात होगी वो होगा एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स. तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, पर एक बार आप सभी को याद दिलवाना चाहेंगे कि जो चुनाव का पर्व है वो चल रहा है पूरे देश में, तो आप अपना वोट जरूर डालिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा. मैं हमेशा वोट करती हूँ और इस बार भी करूँगी, और आप भी जरूर कीजिएगा. तो इस लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं साथ में ही.
and all the very best. Thank you so much. Have a great day ahead. Namaskar.